नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, क्योंकि मलाइका अरोड़ा का एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ, बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोड़ा का एक्सप्रेसवे पर भीषण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें वो चोटिल हो गई हैं। आपको बता दें कि तीन गाड़ियों के बीच ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से एक गाड़ी मलाइका अरोड़ा की थी और वो काफ़ी चोटिल हो गई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड डीवा मलाइका अरोड़ा को लेकर ये शॉकिंग खबर अभी सामने आई है। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस का खोपोली एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हुआ, जहां पर तीन गाड़ियों के बीच टक्कर हुई, जिनमें से एक गाड़ी मलाइका अरोड़ा की थी। एक्ट्रेस उस वक्त गाड़ी में ही मौजूद थी और खबरों के मुताबिक उन्हें चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है इस वक्त। और पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और इसके बाद FIR दर्ज की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मलाइका अरोड़ा के करीबी दोस्त ने ये जानकारी साझा की और बताया कि मलाइका अरोड़ा का एक्सीडेंट हुआ एक्सप्रेसवे पर और उन्हें चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाया गया और उनको टांके लगाए गए हैं और वो अभी ठीक महसूस कर रही हैं। लेकिन उन्हें चोट जब आई थी उसके बाद सभी परेशान हो गए थे और जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ सभी शॉक में थे, लेकिन अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। आपको बता दें कि उनके सिर में कुछ ज़्यादा चोट आई थी, क्योंकि एक्ट्रेस ने अपने सिर के पास कुशन नहीं रखा हुआ था, जिसके बाद एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी टकरा गई और उनके सिर में चोट आई थी। और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उनके जानने वाले, उनके शुभचिंतक काफ़ी परेशान हो गए। हालांकि उसके बाद ये अपडेट दिया गया कि अपोलो अस्पताल में उनका इलाज हुआ और वहां पर उन्हें टांके लगाए गए, अभी वो फिलहाल ठीक महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद FIR दर्ज की जाएगी।